रेवाड़ी के खोल थाना क्षेत्र से 1.5 साल पहले लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने तलाश लिया है। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिस वक्त नाबालिग लड़की लापता हुई थी, उस वक्त लड़की के परिजनों ने एक युवक पर लव जिहाद करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब 1.5 साल बाद इस मामले की सच्चाई कुछ और ही निकली है। आपको बता दें कि खोल थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की 10 अक्टूबर 2020 को लापता हो गई थी। 11 अक्टूबर को लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि गांव में ही जेसीबी ऑपरेटर का काम करने वाला राहुल नाम का लड़का लव जिहाद करके उनकी बेटी को साथ ले गया। उस वक्त आरोपी राहुल को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ की गई तो राहुल का असली नाम मोहम्मद रिजवान निकला था, जो फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है। लेकिन नाबालिग लड़की कहाँ है, उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था। उस वक्त ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। पुलिस भी नाबालिग लड़की को तलाशने के लिए अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन अब 1.5 साल बाद नाबालिग लड़की ने अपनी नानी को फोन किया तो पुलिस लोकेशन ट्रेस करके मौके पर जा पहुंची। जिस मुकेश नाम के लड़के के साथ नाबालिग लड़की 1.5 साल से रह रही थी, उसको और उसके पिता हरि सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी के गांव प्राणपुरा पावटी के खेतों में बने एक मकान में आरोपी रह रहे थे और वहीं से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। लड़की मिलने के बाद और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब 1.5 साल बाद सामने आया है कि आखिर लड़की क्यों घर छोड़कर चली गई थी और इतने दिन कहाँ रही। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस राहुल नाम के युवक पर परिजनों ने आरोप लगाया था, उसके फोन से केवल लड़की ने एक फोन कॉल की थी, लेकिन नाबालिग लड़की उसके साथ ना जाकर उसके गांव के पास ही खेतों में काम करने के लिए रह रहे यूपी के एक परिवार के पास चली गई थी। जिस वक्त पुलिस लड़की को जगह जगह तलाश रही थी, उस वक्त नाबालिग लड़की अपने घर के करीबन 2 किलोमीटर दूर खेतों में काम करने वाले परिवार के पास छिपी हुई थी। नाबालिग इसलिए घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि नाबालिग लड़की की किसी बात को लेकर परिवार के लोगों ने पिटाई कर दी थी। आपको बता दें कि जिस आरोपी मुकेश और उसके पिता हरि सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है, जो खेतों में मजदूरी का कार्य करते हैं। आरोपी मुकेश ने लड़की को कुछ समय यूपी के खुर्जा में रखा, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ अलग अलग जगहों पर खेतों में काम करने के लिए रह रहा था। पिछले कुछ समय से ये रेवाड़ी के प्राणपुरा पावटी के खेतों में रह रहे थे, जहां आरोपियों का लड़की के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और नाबालिग ने अपनी नानी को फोन कर दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। बहरहाल आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने आरोपी मुकेश को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि हरि सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये लड़की घर से उसके पड़ोस में एक जेसीबी चलाता था लड़का, जिस पे पहले इन्होंने आरोप लगाया था, तो ये लड़का उस लड़की को लेकर चला गया। वो लड़का महज उससे छेड़छाड़ तो करता था, परंतु उसको साथ लेके नहीं गया था। उसके बाद उसकी हमने जांच शुरू की थी, तो जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि वो लड़की घर से निकलने के बाद में किसी के खेत में पानी पीने के लिए रुकी थी, और उसके बाद हमने वहाँ तलाश की तो वो नहीं मिली। उसके बाद उस परिवार में जब हम पता करते रहे तो वो परिवार उस ज़मीन को छोड़ के जा चुका था। फिर उसको हमने काफ़ी तलाश करने की कोशिश की, वो परिवार भी हमें नहीं मिला था। अभी वो परसों 3 दिन पहले उस लड़की का किसी के पास फ़ोन आ गया, मैं यहाँ पे हूँ, तो उसकी हमें सूचना मिली, हमने परिवार को साथ लिया, उसके वहाँ जाके रेड की तो वो लड़की हमें बरामद हो गई। तब उस लड़की ने बताया भी मैं उस परिवार के साथ ही हुआ रही 2 दिन। 2 दिन के बाद इसका परिवार का लड़का मुझे लेके चला गया था यूपी, फिर हमने शादी कर ली और अब मैं इनके साथ रह रही हूँ। तो नाबालिग के साथ ही शादी हो गई थी इसकी? किस उसने, हाँ, नाबालिग ने शादी कर ली, उसी में उनको गिरफ्तार किया हमने। तो क्या क्या सेक्शन लगे हैं सर उनके खिलाफ जो अरेस्टिंग हुई है? उसमें रेप के वो बगाले जाने के सेक्शन लगे हैं। सर, सबूत में जो परिवार के सदस्यों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया था, तो उसमें तो कोई थोड़ी आई नहीं सामने इस तरह की? नहीं, उसमें ऐसा कोई संबंध नहीं आया इसका, सिर्फ मात्र छेड़छाड़ उसके सामने आई, वो छेड़छाड़ तो उसके साथ करता था। अब ये जो जिससे शादी की है कौन है, कहाँ का था? ये यूपी के रहने वाले हैं,
और ये माल इसमें गांव में खेती करते थे, इसमें खोल थाना के गांव है कुंड के पास, उस गांव में खेती करते थे किसी के हिस्से पे, और उसके खेत में जाके इसने पहले दिन जैसे ही गई है घर से निकल के, घर से परिवार वालों से डरती निकल गई थी अभी कहीं तेरे साथ कोई मारपीट ना करे, वो तो उसके पास जाके रुकी थी, उसके लड़के के साथ ये कहीं चली गई थी सर खेत में, उसके माता पिता और वो लड़का, तीन लोग थे या फिर और भी? एक उसकी छोटी बहन और थी, तो इसको भेजने में इसकी माता और इसके बाप का लड़के के साथ ले गया था, लड़के का इन तीनों का हाथ था, इसमें लड़का और उसका बाप गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी उसमें जो भी और सामने आएगा उसको रिमांड पर लिया गया है, बाकी उन गिरफ्तार करके जैसे ही कार्रवाई कर दी जाए। तत्परता से कार्रवाई नहीं की, हम तो शिकायत देते रहे, हम बताते रहे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नहीं, उस समय जब ये इसके खिलाफ कंप्लेंट इसने कंप्लेंट दी थी, उसको तलाश की थी, उसके बारे में हमने यूपी में काफ़ी जगह इसकी छानबीन की थी, और जहाँ जहाँ हमें सुराग लगा हम वहाँ गए थे, उसके बाद ये परिवार का हमें कोई सुराग नहीं मिला, जिस गांव के रहने वाले थे उस गांव में नहीं मिला, जहाँ जहाँ इसकी रिश्तेदारी में पता लगे हम सभी, हमने तलाश की थी पहले वहाँ। जो लड़का है सर राहुल, जिस नाम बदल के रह रहा था जो, तो क्या जो ये आरोपी है इनसे कोई संबंध था उनका आपस में? नहीं, आरोपियों से उसका कोई संबंध नहीं था।